आज हम बनाने जा रहे हैं ये कच्ची कैरी जो मैंने ली है। देखिए कितनी बढ़िया है। आपको ऐसी लेनी है टाइट टाइट, बढ़िया देख के लेनी है। इनका बढ़िया टाइट हो, इनमें पल्व अच्छा हो। ये पल्व जितना अच्छा होगा उतनी अच्छा आपका ये पना बनेगा और खट्टा भी कम होगा। तो हमने आज ही पना बनाया आप सभी के लिए। आप भी बनाइए और अपने बच्चों को पिलाइए, आप पीजिए। जो भी आपके घर से बाहर जाए उसे ज़रूर पिलाइए, वो लू से बचेगा और उसके पेट में ठंडक रहेगी। इंडियन कुकिंग सीक्रेट्स बाई सावित्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम बना। तो मैंने ये चार आमियाँ ली हैं। देखिए दो छोटी साइज़ की हैं, देखिए मीडियम साइज़ की हैं सॉरी, और दो बड़ी साइज़ की हैं। देखिए एक ये भी है। तो इसकी हम बनाएंगे आम पना। गर्मी है तो हमारी ये आमी या अमिया आप जो भी बोलते हो कैरी, तो वो हमारी जल्दी से उबल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम ऐसे फोक से इसमें निशान लगा देंगे ताकि अंदर तक जल्दी से गल जाए, टाइम ना लगे ज़्यादा। और ये हमारा ये ऊपर वाला पार्ट से, तो इसको भी हम इसे निकाल देंगे। देखिए ऐसे ही आप इससे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने ये निकाल लिया इसका ऊपर वाला पार्ट, तो आप चाकू से भी कर देंगे। लीजिए इससे भी हो जाएगा। और गर्मियों में हमें लू से बचाते हैं, हमारी बॉडी में ठंडक जाती है। हम एक बार सुबह एक गिलास ले लें, पूरे दिन हमारा पेट ठंडा रहता है और हम लू से बचते हैं। गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं तो इसमें हमें आम पन्ना खाना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए ऐसे ही हम कर देंगे ताकि ये हमारा जल्दी से बन के तैयार हो जाए। मैंने चारों अमियों में कर लिया है। देखिए बड़ी साइज़ की भी हैं, आपके पास जैसी भी हो आप वैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी और छोटी मैंने की तो आप भी ऐसा करें, नहीं, आप किसी भी साइज़ की ले सकते हैं। तो लीजिए, और इधर मैंने पानी भी रख दिया है उबलने के लिए। देखिए हमारा पानी भी उबल चुका है, तो इसी में हम अभी डाल देंगे। लीजिए मैंने इसको डाल दी, आधा ढकेंगे आधा खुलेंगे। अब इनको हम उबाल लेते हैं, जब ये उबल जाएंगी उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। एक कच्ची कैरी बोलते हैं आमे, इनको उबाल लिया है। देखिए हम चाकू से कट लगाने से यह होता ये होता है, इनका इस छिलका ऊपर का अलग हो जाता है और ये कैरी अलग हो जाती है। ये ठंडा हो गया, देखिए ये हो गया। लीजिए हम ऐसे ही पूरी कैरी निकाल लेंगे। ये जो हमारे छिलके होते हैं तो इनमें भी रहता है, तो हमें इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डाल दिया मैंने ये आधा गिलास, तो ये ठंडा भी हो जाएगा। अभी भी गर्म लग रहा है मेरे हाथों में, तो इसका ये जो लगा रहता है ना पल्ब, ये भी निकल जाएगा इसका। देखिए तो ये छिलके भी इसके हमने हटा दिए हैं, और जो ये गुठलियाँ हैं इनमें ये पल्ब है। तो देखिए जाली भी नहीं है अभी, तो ये तुरंत ही निकल जाएंगे। ये भी निकल गई है, देखिए देख ये भी निकल चुके हैं। एक बची है, इसको भी निकाल देंगे हम। पूरी हमने गुठली निकाल दी है। देखिए ये हमारा पल पल बचा है, तो इसमें हमें कुछ मसाले डाल, तो हमने पल इसमें पूरा डाल दिया। लीजिए अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो हमने लिया है भुना जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर डाल दिया हमने। और हम डालेंगे इसमें काला नमक, भी मैंने काला नमक आधा चम्मच डाल दिया है, और ये सफ़ेद नमक जो हम सब्ज़ी में डालते हैं वो डाल दिए। अब हमें डालनी है चीनी, तो चीनी डाल देंगे।
आप चाहें तो इसे गुड़ का भी बना सकते हैं और या चीनी का। चीनी पाउडर लिया है मैंने, तो लीजिए मैं भर भर के इसमें 4 चम्मच डाल दें। अब इसको हम पीस लेंगे। आप इसमें इस टाइम गुड़ भी डाल सकते हैं, यदि आपको गुड़ डालना हो तो आप गुड़ डाल सकते हैं। मैंने इसमें चीनी डाली है। लीजिए, तो ये मैंने बना लिया है आम पन्ना। देखिए, आपको गर्मियों में गर्मी से राहत दिलाने के लिए तो ये आम पन्ना हमारा रेडी है। यदि आप पुदीना पसंद करते हैं तो आप इसमें पुदीना, आप इसे एक बार पियेंगे और पूरे दिन बढ़िया पेट में आपके ठंडा ठंडा रहेगा। आपको ये गर्मी से बचाता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आप इसे एक बार बनाएंगे और फ्रिज में अच्छे से आप इसी बोतल में भर जग में भर के कांच के बर्तन में या ऐसे बाउल में ढक के आप रख दें तो आप एक सप्ताह इसे पी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। लीजिए, हमारा कच्ची करी का ये पना रेडी हो गया है। प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो आप साइड में जो बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर दबाएं।